सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। प्रदेश भाजपा की वरिष्ठ नेता सर रांची सांसद संजय सेठ ने आज डाल्टनगंज शहर स्थित गीता भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पलामू प्रमंडल की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा को काफी मजबूत स्थिति में होने का दावा किया। पत्रकारों से कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले सभी 13 के 13 सीट भाजपा की झोली में आने वाली है। पिछले 5 वर्षों में भाजपा द्वारा किए गए चौमुखी विकास के साथ क्षेत्र की जनता खड़ी है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अनुशासन और राष्ट्रवाद ही संगठन के धरोहर हैं। भाजपा समर्थित उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह हुसैनाबाद से कम से कम 50,000 मतों के अंतर से जीत हासिल करेंगे। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे सहित कई नेता उपस्थित थे। लोग तो खरा उतरेगी। देखिये, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली दल भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई व्यक्ति हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे राष्ट्रवाद को स्वीकार करता है, हमारे आता कि नहीं आपकी आइडियोलॉजी से हम आपको पालन करेंगे, आपके राष्ट्रवाद के साथ में, सबका द्वार खुला है। राजनीतिक दल है, हमारे आते हैं, हमारी विचारधारा, हमारे अनुशासन से बड़े बंधे रहते हैं। हमारा अनुशासन, हमारी विचारधारा, हमारा राष्ट्रवाद, यही हमारा तो हमारा यही तो धरोहर है। हमारे यहाँ जो आता है उसका स्वागत है। क्या हुसैनाबाद में गठबंधन है लेकिन फिर भी वहाँ निर्दलियों को मतलब दिया जा रहा है सपोर्ट? नहीं नहीं, गठबंधन तो टूट गया। गठबंधन कहाँ है? विनोद सिंह जी हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े नेता थे विनोद सिंह जी, और अभी तो गठबंधन है नहीं। हुसैनाबाद से विनोद सिंह जी कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। ये भाजपा समर्थित उम्मीदवार है। से गांव, टोला, मोहल्ला, पंचायत, झोपड़पट्टी में विकास गया, चाहे वो शौचालय के रूप में हो, चाहे वो आयुष्मान भारत के रूप में हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा हो, गैस सिलेंडर के रूप में हो, चाहे वो किसानों को 5,000 रुपये एकड़ देने के संबंध में हो, 6,000 रुपये केंद्र के सरकार की द्वारा हो, चाहे किसानों को पेंशन देना हो, चाहे छोटे दुकानदारों को पेंशन देना हो, चाहे गाय बकरी देना हो, और जनता आकलन करती है कि विकास किसको कहते हैं। इसीलिए जनता साथ में खड़ी है, और पलामू के लिए तो और बढ़िया है कि 5 बजे के बाद, 14 के पहले आप 5 बजे के बाद पलामू ठहर जाता था, पलामू बंद हो जाता था, और इन 5 सालों के अंदर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में आप रांची जाओ, कहीं जाओ, भयमुक्त वातावरण किसने दिया? भाजपा ने दिया। पहले पलामू आने में 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, आज पलामू आने में रांची से 3 घंटे लगते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 9 की 9 सीट विकास के नाम पर पलामू की जनता भाजपा के साथ खड़ी है, और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से जीते।